In a life that got in, oh so dark, oh so dark. A life that falls apart, my heart been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change, even though I'd like to. Even though I'd like to, I'll probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. Probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. But I've been working oh so hard to find some meaning in this life. To find some meaning in this life. In a life that got in oh so dark, goes so dark. A life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart, torn apart. I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start? Yeah, press rewind. Get a chance to find the right answers. I mean, I don't wanna die, I just wanna feel alive. Maybe in my next life, get a chance to feel alive. But people say, you only get one chance. So I gotta work hard, yeah, 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 to try and find a life. Torn apart, I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start? Yeah, press rewind. Get a chance to find. I hope somewhere down the line I'll be able to find. So, hey guys, welcome back to my CRP gaming channel. Guys, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, guys, कैसे आप जो है बहुत ही हार्ड तरीके से ग्लोबल लगा सकते हो. गाइस आपने देखो मेरी एक क्लिप देख ली होगी जो गाइस मैंने ग्लोबल के लिए ही रिकॉर्ड करवाई है. सो गाइस आप ऐसी सारे बंदे ग्लोबल लगा सकते हो, इतनी फास्ट ग्लोबल आप सभी लगा सकते हो, चाहे भाई उन्होंने नया गेम स्टार्ट किया, अभी खेलना स्टार्ट किया है, या वो बहुत दिनों से भी खेल रहे हैं. हर कोई बंदा गाइस लगा सकता है, कोई भी बंदा होगा, ठीक है. सो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि गाइस आप कैसे जो फास्ट ग्लोबल लगा सकते हो. सो गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गाइस अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लोग लाइक कर देना, भाई आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेकर आई है आपकी डिमांड पर, ठीक है. काफी बंदे मेरे से बोल रहे थे. सो गाइस इस वीडियो पे हम 1K लाइक्स का एम रखते हैं. भाई वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो, 1K लाइक्स पूरा करा देना, ठीक है यार. आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है तो भाई प्लीज यार लाइक तो बनता है, ठीक है. और गाइस मेरे चैनल पर जो न्यू है भाई सब्सक्राइब कर लेना. अगर देखो सब्सक्राइब नहीं करते आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा. सो गाइस इतने परसेंट बंदे सब्सक्राइब करते और इतने नहीं करते, तो भाई प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो वीडियो देखते हो तो. और गाइस वीडियो को शेयर ज्यादा करना जितना सकता है, ये ट्रिक की वीडियो है, ठीक है. पूरा डिटेल में समझाता हूं आप कैसे जो है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा फास्ट ग्लोबल मारने के लिए, ठीक है. सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस सेंसिविटी की. गाइस ये सबसे मेन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे मेन होता है सेंसिविटी, ठीक है. सो गाइस आप देख सकते हो मेरी जर्नल कितनी है, रेड डॉट कितनी है, 2x कितनी है, 4x कितनी है, AWM की स्कोप वाली भी कितनी है, ठीक है. सो गाइस मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, आप तभी ग्लोबल ये लगा सकते हो जब आपकी सारी जो है सेंसिविटी जो भी दिख रहा है ना 100 होगी, ठीक है. अगर आप 100 नहीं रखोगे, 70 मतलब ये रखोगे, 40-45 ये सिस्टम रखोगे, सो गाइस आप कभी भी फास्ट ग्लोबल नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि यार सेंसिविटी होता है मूवमेंट का, ठीक है. आप जितना इसको देखो रोटेट करोगे ना तो भाई वो थोड़ा, अगर आपने कम कर रखी है सेंसिविटी, मतलब जनरल आपने 50 कर रखी है, तो आपका बहुत लेट स्लाइड होगा, ठीक है. अगर आप पूरा 100 करके मतलब उसे स्लाइड करते हो तो बहुत जल्दी से होता है, ठीक है. तो जितना आपका 100 हो मतलब फुल होगा ना जनरल, उतनी जल्दी आप ग्लोबल लगा सकते हो गाइस, ठीक है. ये सबसे मेन होता है, सबसे पहला का स्टेप यही है, आपको अपनी सारी 100 कर लेनी है, ठीक है. बहुत बंदे बोलेंगे भाई मेरा हेड नहीं आ रहा, ये नहीं,
तो गाइस मैं आपको बता दूं, जब तक आपके फुल नहीं रहेंगे तो भाई आपके हेड भी नहीं आएंगे, हेड के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। अब बहुत से बंदे बोलेंगे भाई यार तुमने 100 करा दी, मेरा अब पहले से एक भी हेड नहीं लग रहा। सो गाइस मैं आपको बता दूं ये सबसे आसान ट्रिक है। और गाइस मैं बता दूं एक दिन में कोई हेड मास्टर नहीं बन जाता, टाइम लगता है गाइस, मेरे को भी टाइम लगा था, ठीक है। एक हफ्ते का भी टाइम होता है, 10 दिन में भी लगते हैं, 20 दिन में, महीना भर भी लग जाता है, ठीक है। तो आप मारने लगोगे कोई दिक्कत नहीं, आप सेट हो गया तो एक बार, हाँ ठीक है, आप फास्ट ग्लोरी मारोगे उसके साथ हेड हेड भी मार सकते हो, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं कंट्रोल की तरफ, ठीक है। सो गाइस कंट्रोल आप मेरा देख सकते हो गाइस, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा हाई कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके लिए मैंने सब लो कर दिया था इसमें, तो गाइस आपको अच्छे से दिखेगी। सो गाइस आप देख सकते हो ऊपर की तरफ गाइस मैंने यहाँ पर ग्लू वॉल किया है गाइस, सारे बंदे ध्यान से देखो, मैंने ऊपर की तरफ गाइस इधर ग्लू वॉल करी है, क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पर आपकी एक लेफ्ट हैंड जो है आपका, उसकी जो है वो फिंगर है, ठीक है, जो अपने थंब के साइड वाली है ना, जो अपनी फिंगर, आप गाइस उस पर आपको एक फिंगर रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस ये सबसे मेन है, जब भी आप फास्ट ग्लू वॉल लगा सकते हो गाइस, मैं भी इधर रखता हूँ, और गाइस उसको पूरा 100 कर देना है, ठीक है, पूरा 100 मतलब पूरा 100 उसका साइज, ठीक है। सो गाइस ये हो गई आपकी फास्ट ग्लू वॉल ट्रिक, और गाइस बाकी का आप अपने तरफ से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर गाइस मैं आपको सजेशन देता हूँ, आपको जो ग्लू वॉल वाले गाइस आपको वो ऊपर रखनी पड़ेगी माइक के पास, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस आप जब भी ग्लू वॉल मार पाओगे, क्योंकि देखो आपके दोनों थंब जो है नीचे फायर बटन मूवमेंट वगैरह के लिए होता है, और गाइस अगर आपकी एक ऊपर वाली उंगली लेफ्ट वाली जो फर्स्ट वाली उंगली उस पर अगर आप उस पर टच करोगे ना गाइस, बहुत ही आसानी से गाइस आपके जो है ग्लू वॉल फास्ट लगेगी, ठीक है गाइस। और गाइस मैं आपको थोड़ा गेम में भी ले जाके दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस अब मैं बात करता हूँ गाइस, आप बोलेंगे हमारे पास इतने कस्टम नहीं है, हम प्रैक्टिस कैसे करें? सो गाइस मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता दूंगा, इस कस्टम पे क्लिक करिए। यहाँ पर जरूरी नहीं है आप क्लैश स्क्वाड वाले में ही घुसिए भाई, 48 बंदों का भी कस्टम होता है जिसमें अनलिमिटेड ग्लू वॉल वाला होता है, ठीक है। लिमिटेड एमो बहुत बंदे नो कर देते, ठीक है। सो गाइस आपको जो वहां पर जाके घुस जाना है, ठीक है, बहुत सारे कस्टम्स होते हैं तो वहां पर जाके गाइस आपको घुस जाना है। तो गाइस ये तो फुल है, मैं एक बार बढ़ा लेता, और गाइस आपको चेक करते रहना है, ठीक है, जिसमें लिमिटेड एमो नो होगा आपको उसी कस्टम में जाना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, 2 से 3 मिनट लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़े बात नहीं है। सो गाइस इसमें भी नहीं है, मतलब गाइस ये फ्री का कस्टम है, मतलब इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको ढूंढते रहना है, ठीक है, जो आपको मिल जाता है आप उसमें जाकर जो आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और गाइस प्रैक्टिस आपको वहां पर करना है जहां पर कोई भी बंदा ना उतरा हो, ठीक है, ताकि आप आसानी से कर सको, आपको कोई भी बंदा मारे ना, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो इसमें, सो गाइस मैं कस्टम में आ चुका हूँ, और गाइस देख सकते हो मैं जो अब आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे फास्ट ग्लू वॉल मार सकते हो मेरी तरह, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम फायर पे क्लिक किया और ग्लू वॉल पे क्लिक करता है, इसमें एकदम बोल नहीं रहा जितनी जल्दी ग्लू वॉल मैं लगा रहा हूँ। सो गाइस आप भी ऐसे ग्लू वॉल लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइस जैसे ही मैंने फायर बटन पे ऊपर क्लिक किया और मैंने ग्लू वॉल वाले पे क्लिक करके और एकदम फायर बटन को नीचे कर दिया, सो गाइस मैं इतनी फास्ट ग्लू वॉल लगा पा रहा हूँ, हर कोई बंदा गाइस लगा सकता है, क्यों? क्योंकि गाइस मैंने आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, जो आपकी एक फिंगर रहेगी लेफ्ट साइड वाली, उसको गाइस आपको जो है ग्लू वॉल के लिए ही बनाना है, सिर्फ ग्लूवल के लिए। जैसे ही बंदा आया आपने एकदम फायर किया और फटाक से गाइस उस फिंगर को यूज करके एक बार ग्लूवल फटाक से आपकी लग जाएगी, ठीक है। सो गाइस ऐसी आपको सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ड्रैग किया आपने ग्लूवल मारी, ठीक है गाइस। सिटअप मैं आपको देखो मार के दिखा रहा हूं, तो सिटअप वाले बंदों के लिए भी गाइस काफी आसान है। सिटअप किया, बैठाया, अपनी ग्लूवल मारी, बस गाइस कुछ भी नहीं है गाइस, काफी आसान। अगर आप एक फिंगर पर्सनली जो है ग्लूवल के लिए रख लोगे, सो गाइस आप बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस ग्लूवल मार पाओगे, बहुत ही ओपी वाली, ठीक है। सो गाइस इतनी फास्ट ग्लू वॉल लग रही है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो गाइस आपको करना क्या, देखो सबसे पहले गाइस मैं आपको स्टेप बता देता हूं। सो गाइस फर्स्ट आपका फायर बटन आपको जैसे उस पर क्लिक करना है, ठीक है गाइस। सेकंड आपको स्टेप बता, सो गाइस सेकंड स्टेप है हमारा ग्लू वॉल, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, देखो मैं फायर करूंगा और फायर करते ही मैंने ग्लू वॉल पे क्लिक किया, नीचे ग्लू वॉल फटाक से लगा दी, ठीक है। तो गाइस ऐसी आप भी लगा सकते हो, फर्स्ट है क्या फायर बटन, फिर अपना ग्लू वॉल वाले पे क्लिक करके, ठीक है, और दोबारा फायर बटन को नीचे की तरफ स्लाइड करके एकदम आपको ग्लू वॉल लगा देनी है, ठीक है। सो गाइस आपको 3 स्टेप ये याद रखने हैं, और गाइस इसको ना आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आपके जो भी मतलब कोई भी कस्टम में घुस जाओ, डेली तुम कस्टम खेलते भी रहते हो, सो आराम से गाइस उधर प्रैक्टिस कीजिए। आप, मैं नहीं बोल रहा कि गाइस आप एक दिन में पूरा ओपी प्लेयर बन जाओगे, गाइस टाइम लगता है, 50 से 60% आपको एक दिन में लगानी आ जाएगी। अच्छे से खेलिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आसानी से गाइस बहुत ही जल्द आप लगाने लगोगे, क्योंकि यार बहुत ही आसान हो जाता है, एक बार अगर आपको धीरे धीरे आने लगी ना लगानी, तो भाई आप हर बंदों के सामने अच्छे अच्छे से अच्छी ग्लू वॉल आप मार सकते हो, फिर आपके बहुत नामुमकिन हो जाएगा आपको मारने के लिए, ठीक है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी भाई प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और गाइस बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में भाई, शेयर भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।